गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। खोलकर देखने के बाद पेट्रोल की जगह टंकी में पानी था। कमला मोटर्स, पांच रोड। अच्छा। पांच जालौन बाईपास पे पड़ा। कैसे पता चला आपको कि पानी है इसमें? सर गाड़ी स्टार्ट थी, ठीक है, स्टार्ट की, 10 कदम चली गाड़ी बंद हो जाएगी क्योंकि पानी तो नीचे जाता है ना, वेटेड होता है पानी, नीचे गया, गाड़ी चौक हो गई। उस बाद तुरंत घुमाया, उनसे बोला तो भाई साहब हमें समझाने लगे, हमने कहा बताते हैं आपको। क्या किया फिर उसके बाद? 100 नंबर डायल किया, एडिशनल SP को कॉल किया, प्रेस में कॉल किया, अपने कुछ जान पहचान के लोग बुलाए। अब क्या हो रहा है, यहाँ कौन सा अधिकारी आया है जो कार्रवाई कर रहा है? बता रहे हैं कि जो आपूर्ति अधिकारी होते हैं उस विभाग से राम स्वरूप करके कोई आए हुए हैं, उनकी कस्टडी में पुलिस द्वारा दिया गया है सैंपल भर के, जिसमें 2 पुलिस वाले भी हैं। कितने लीटर भराया था आपने जब पानी निकला? मात्र 30 रुपए का भराया था। उसमें क्या निकला? पानी निकला सर। अभी तक पेट्रोल में केरोसिन तेल की शिकायतें तो मिलती थी, लेकिन जालौन के उरई में कोच स्टैंड स्थित रतन कमला मोटर्स पर पेट्रोल में पानी की मिलावट देखने को मिली। अरविंद राजपूत द्वारा जब शिकायत उच्च अधिकारियों को की गई तो जिला प्रशासन और खाद्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रतन कमला मोटर्स पेट्रोल पंप से 3 अलग बोतलों में पेट्रोल भराया गया तो 30% पेट्रोल और 70% पानी निकला, जिससे साफ हो गया कि कई दिनों से ये मिलावट का गोरख धंधा चल रहा था। हालांकि खाद्य विभाग के आपूर्ति निरीक्षक राम स्वरूप ने अभी तक कोई सैंपल ना तो ऊपर उच्च अधिकारियों को शिकायत के लिए भेजा है और ना ही कोई कार्रवाई की है। ये शिकायतकर्ता ने बयान दिए हैं कि ये पानी निकला है, ये जब आपने चेक किया तो क्या पेट्रोल मिला? अभी जांच चल रही है और जांच करके इसके जो है जांच के लिए भेजा जाएगा। बोतल में तो पानी ही दिखाई दे रहा है। अभी ये लैब भेजा जाएगा, जांच में जो आएगा उसके अनुसार नियम अनुसार जो भी। लेकिन इस बात से साफ जरूर होता है कि जालौन जनपद के उरई मुख्यालय में धड़ल्ले से मिलावटी पेट्रोल बेचने का गोरख धंधा कई अरसों से चल रहा है, जिसमें जिला प्रशासन की संलिप्तता साफ नजर आ रही है और आम जनता को खुलेआम चूना लगाया जा रहा है। ऐसे में लचर व्यवस्था पर सवाल उठना वाजिब है। ब्यूरो रिपोर्ट।